सारा एरिया काम बहुत अच्छा हो चुका है। और ये ए ब्लॉक की साइड की तरफ जो थीम पार्क है, आप लोगों को मैप नज़र भी आ रहा होगा वहाँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे और आप सब मेरा चैनल देख रहे हैं फार्मी व्लॉग। तो आज की वीडियो बहुत ज़बरदस्त है और बहुत ख़ास हैं। आप लोगों ने आज की वीडियो पूरी देखनी है और एंड तक देखनी है, और इसमें मैंने कुछ बताया और इन्फॉर्मेशन भी दी है। बाकी जिस बंदे को कोई भी न्यू एंट्री करनी है वो हमसे लाजमी कॉन्टैक्ट करें, और आप सबको हम दिखाएंगे सिटी हाउसिंग खारियां का वर्क। और आप लोग हमारे वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर लाजमी किया करो, और बाकी वीडियो को पूरा देखें, एंड तक देखें, आज का वर्क भी देखें साथ, और इसमें कुछ बात बताइए वो भी देखें। तो खुशखबरी है आज, बहुत शुक्रिया, एंड तक देखें वीडियो। मैं चलता हूँ वर्क की तरफ, फिर वर्क करके आप लोगों को दिखाते हैं क्या है। दोस्तों तो आज हमारे व्लॉग की शुरुआत यहां से हो रही है, और आप लोगों को यहां से हम दिखा रहे हैं सिटी हाउसिंग खारियां का वर्क। और मैं अंडरपास के करीब खड़ा हूं बिल्कुल। ये आप लोगों को जीटी रोड नज़र आ रहा है, साथ ये जो एक्सिबिशन वगैरह हो रही है, छोटा सा ये थीम पार्क की हो रही है, जो साथ इसके लुक देंगे इसको बहुत ज़बरदस्त करके, बहुत प्यारा बनेगा ये जगह। तो आज की वीडियो है, इसके बाद हो सकता है कल से छुट्टियां हो जाएं, तो मैंने कहा आज का व्लॉग आप लोगों को दिखा दूं। और आज मशीनरी थोड़ी लगी हुई है, थोड़ा सा वर्क है तो वो भी साथ दिखा देता हूं। बाकी जो न्यू है हमारे चैनल पर तो लाजमी सब्सक्राइब कर लें, अगर कोई न्यू एंट्री वाला है तो वो भी हमसे कॉन्टेक्ट कर सकता है फाइल के मुतालिक, तो इंशाल्लाह हम उसके लिए बहुत अच्छी ऑफ़र लाएँगे। बाकी दोस्तों चलते हैं हम आगे की तरफ, आगे भी दिखा देते हैं। ये तो अंडरपास था, और ये देखें आगे हेलीकॉप्टर गेट का भी लुक आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। उसका रूम वन रूम टू भी क्लियर हो चुका है, और उसका सेंटर पोर्शन जो है वो भी क्लियर हो चुका है, तो उसका भी थोड़ा सा वर्क रह गया है। बाकी साथ उसके जो मशीनरी थोड़ी सी लगी है वो भी मैं दिखा देता हूँ, तो आप लोगों ने वीडियो को एंड तक देखना है, वीडियोस को वो स्किप नहीं करना। और आज की वीडियो मुझे लगता है एंड होगा, आखिरी वीडियो होगी, क्योंकि फिर हमने घर चले जाना है। बाकी इंशाल्लाह इंशाल्लाह ईद के बाद ही मुलाकात होगी। वीडियो अपलोड करूँगा वो सिर्फ अपनी करूँगा, और गांव में जाकर अपने व्लॉग्स बनाऊँगा। बाकी जो कुछ होगा आप लोगों के साथ शेयर करते रहेंगे। ये नहीं कहना कि पता नहीं कहाँ चले गए, किधर हैं और वीडियो नहीं आ रही, तो इसलिए मैंने कहा ये एंड वाली वीडियो आखिरी है तो ये बना दूं, और दोस्तों को भी बता दूं कि शायद कल हम चले जाएं अपने घर की तरफ, सारे चले जाएंगे सिर्फ मैं नहीं, तो फिर उधर जाकर अपना भी लोग बनाएंगे। बाकी ईद की छुट्टियां हैं तो ईद हमने फैमिली के साथ करेंगे। बाकी मेरी वीडियो पे तो माशाल्लाह ओवरसीज़ बाहर के होते हैं, सारे भाई होते हैं, वो तो अपनी फैमिली से बहुत दूर हैं, उनकी तो ईद ना समझे बस, क्योंकि ईद होती है तो वो सिर्फ फैमिली के साथ होती है। बाकी अल्लाह पाक उनको भी अपनी फैमिली के साथ ईद करवाएगा, उनके लिए दुआ करते हैं वो खुश रहें आबाद रहें। तो बाकी अल्लाह पाक करम करेगा। अभी मैं जाता हूँ थोड़ा सा वो आलों के एरिया दिखा देता हूँ जहाँ पर थोड़ी सी लगी हुई है, आज एंड है, ख़त्म करने वाले हैं, मशीनरी रोक रहे हैं, कल से चले जाएँगे, तो मैं उस जगह पे जा रहा हूँ, वीडियो को पूरा देखना है। तो दोस्तों मैं यहाँ पर आ गया हूँ, जो थीम पार्क की पहाड़ी आप लोगों को दिखा रहा था, बहुत ऊंची पहाड़ी थी, तो ये आप लोग चेक कर सकते हैं, कल मैंने दिखाई थी पिछले दिन, तब भी इसको देखे, इसको प्लेन इन्होंने कर लिया, मज़ीद करेंगे ईद के बाद। अभी ये दो तीन मशीनें लगी हुई है, अभी बाकी क्लोज़ कर रहे हैं टाइम से, ताकि सुबह सुबह सारे आराम से घर चले जाएँ। तो ये देखें दोस्तों आप लोगों के लिए, मैंने कहा चलो आज का व्लॉग एंड वाला बना दूँ, आखिरी है, तो उम्मीद है ये व्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा होगा। बाकी मशीनरी रुकी है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर, बाकी ये देखें सारा एरिया काम बहुत अच्छा हो चुका है। और ये ए ब्लॉक की साइड की तरफ जो थीम पार्क है, आप लोगों को मैप नज़र भी आ रहा होगा वहाँ पर, देख लेना, तो ये वो एरिया है ए ब्लॉक की तरफ लेफ्ट साइड पर। तो बाकी दोस्तों बाकी क्या बोलना था मैं भूल गया, हाँ बस दुआ करना कल हम सफ़र करेंगे इंशाल्लाह, सफ़र में होंगे अपने घर के लिए, अपने वालिदैन के लिए जाएंगे, अपनी फैमिली के लिए घर वापस जाना है।
मैं तो काफ़ी टाइम से घर नहीं गया था, अभी जा रहा हूँ बहुत अरसे बाद। तो दोस्तों मैं अपने व्लॉग यहाँ पे रोकता हूँ, आज का व्लॉग यही था बस आप लोगों के लिए शेयर करने का, और बाकी काम नहीं था, ये नहीं कि काम दिखाने के लिए, बस थोड़ी बहुत ये बात करनी थी और आप लोगों को कुछ ये दिखाना था। तो फिर दुआओं में याद रखना इंशाल्लाह, और हाँ मेरे अपने व्लॉग भी देखा करो यार प्लीज़, उस पर सिर्फ लाइक कर दिया करो और देख लिया करो, मसला तो नहीं है, ये भी देखते हो तो थोड़ा बहुत वो भी देख लिया करो। बहुत शुक्रिया सब दोस्तों का, फिर मिलते हैं, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अल्लाह हाफिज़।